जनाब उठे, मुझे भूख लग रही है। ना पड़ा हुआ है। या फिर घर बना लेते हैं, आप मेरे साथ हेल्प करें। मामा से पूछूं जाके? मामा भी जाग रही हैं, भाई भी जाग रहे हैं, सब जाग रहे हैं। जिंगर बर्गर बनाए। सर जिंगर बर्गर हाँ तो अब्दुल्ला भी दाऊद भाई के लिए, चले सबके लिए बना लें। चले उठे फिर। यार आप आ जाए भाई। हाँ आप आ जाए, मैं चीज़ें निकाल दूँ। ये चिकन, तो ये बर्गर है जो कि दाऊद लेकर आया था बनाने के लिए और हमने कल बनाए नहीं, तो अब हम इस टाइम बनाते हैं। तो आज हम बनाने लगे हैं जिंगर बर्गर। चलें अब आप आ गए हैं, अब आप बनाएं। सर मैं बनाना नहीं, मैंने आपके साथ सिर्फ हेल्प करवानी है, मेरे से नहीं बनना। ये आप मेरे लिए बनाए? आप बहुत मज़े का बनाते हैं। नहीं बनाना, ये आपने बना दिया मुझे ना कि आप। ठीक है फिर मैं बना लेती हूँ। आज भाई मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ कैमरा होल्ड करना है और इन्होंने बनाना है मेरे लिए। और इस टाइम मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कैमरा होल्ड करूँगा और ये बनेगा जिंगर चिकन। सब बनेगा क्रिस्पी चिकन। चलो आपने मेरे व्लॉग में ये रेसिपी तो देखी होनी है कि KFC मैंने कैसे बनाई थी, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी देख। क्रम्स बन गए इसके, क्रम्स इसके ऊपर बन गए हैं, तो ट्राई करते हैं। KFC खानी हो और साथ स्प्राइट ना हो ये कैसे हो सकता है? तो वाइफी ने कहा जाके ना स्प्राइट ले आए, तो साथ स्प्राइट हो जाएगी, साथ मिंट मार्गरेटा बना लेगी आप वाइफ, और उसके बाद हम साथ जिंगर खाएंगे। लेट्स गो। गली में बिल्कुल सन्नाटा और हमारी बाइक ही बाहर खड़ी हुई है, इसको भी अंदर करने वाला हुआ है। पता नहीं अब कैसे बने हैं। ओप्स अच्छे बने होने मेरे ख्याल से, अच्छे बने होने। आज वैसे मुझे क्या सूझी सर, आपने खुद ही उठाया और खुद ही कहाँ पे लग गई। सर ऐसे ही होना ना, सब मुझे भूख लगी इसको देख के ना। ये हम बनाते हैं और फिर इसको आपके सामने पेश करके खुद भी एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो खाते हैं। अभी खाते नहीं है, ये जो पीस है ये मामा के लिए है, और जो ये जिंगर बनाया है ये हम जिंगर ब्रेड में डाल के ना और साथ इसको खाएंगे जिंगर स्टाइल के, और लेट्स वगैरह भी ये बड़ी हुई। मैं थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं भाई। बेगम ने कितना को रह गया? इतनी खुशी, इतनी खुशी ओ भाई, तुमने शुगर बीवी लाए हो, देखो क्या क्या बना रही है। ओ माय गॉड, रात के टाइम फ्राइज, ईद क्रेविंग होती है, चाशनी आ गई, मैं भी रोटी ऐसी भी लाऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? रात चूल्हे भी खड़ी रहे। सुन रही है ना तू? सुन रहे हो ना? चूल्हे भी खड़ा ना तूने? ये वाला चूल्हा ये भी सही है, ताकि दोबारा ना गिरे। मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी चाहत में बसता है मेरा नशा। आपने बताया नहीं आप पार्ट टाइम सिंगर भी हैं? हाँ जी, स्ट्रीट सिंगर हूँ। स्ट्रीट सिंगर है या बाथरूम सिंगर है? हाँ बाथरूम सिंगर है या स्ट्रीट सिंगर? स्ट्रीट सिंगर, बाथरूम में तो मेरे ज्यादा ही हैवी हो रहा था। ओ भाई साथ अब किसी को भूख नहीं लगी, सब रेडी है तो बातें करी जा रहे हैं। मैं जिंगर भी मैं रेडी हो गया, दुल्हा ने भाई फ्राइज वगैरह रेडी कर ली। जो मैं कहना सका मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आशा। ओ अब्दुल्ला टेस्ट कर, पट्टे लेने गया था। परफेक्ट, क्या बढ़िया था गुरु, खाली स्वाद आया। दे रहा क्रंच का मजा, मसाला है मुंह में। सर हम भी साथ ही थे, थैंक यू थैंक यू। हम दोनों को थैंक यू। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपका भाई खाता है जिंगर।
नीचे जनाब इसे आगे कर लें, नीचे कम गिरेंगे पाँव में लगेंगे। अब खाते हैं उसके बाद सो जाते हैं और बैठू व्लॉग कल बनाते हैं। रात को तो व्लॉग हमने स्टार्ट ही नहीं किया था, सर सुबह सुबह मैं उठ गया हूँ, तो आज का व्लॉग यहीं स्टार्ट करते हैं। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 8 बजे और अब हम जा रहे हैं सुबह सुबह बाहर, और भाई इतनी कुछ ज़्यादा फॉग हो गई है। तो भाई जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे लाहौर में कितनी कुछ सर्दी इस टाइम हो गई है। तो लेट्स गो। ओ भाइयो सुबह सुबह आपका भाई बाइक पे निकल आया और धुंध चेक करे यार, आगे गाड़ी तक नज़र नहीं आ रही, दूर दूर। ओह अभी तो सर्दी स्टार्ट है, दिसंबर स्टार्ट और हमारी शादी की तरफ भी बहुत ज़्यादा धुंधे हो रहे हैं। ऐसे वैसे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहली सर्दी है दिसंबर की, पहले पहला दिन है मतलब कि मैं कहा सुबह सुबह चलो नाश्ता बाहर हो, थोड़ी वाह की हमने, तो मैंने कहा नाश्ता बाहर होना चाहिए। तो भाई सात नान और सात चने और नान बोंग और चने नाश्ता करते हैं और उसके बाद जाते हैं देखते क्या सीन होता है। यार आज के जो नान है ना वो फुल ब्लफी, इतने को मज़े के हैं ना आज, मैंने सोचा नहीं था कि आज इतने मज़े के होंगे, लेकिन इन्होंने इस दुकान की पार्टनरशिप की है और वो जो सूरत लिखी है ना वो सूरत का एक पेपर था, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप की है तो उसमें सूरत की आ गई लिखी है। तो ये टाइल नहीं है बल्कि पेपर है, दुरुदे पाक है ना ये, और ये दुरुदे पाक इब्राहिम, और इन्होंने पार्टनरशिप करते वक्त ही उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने ऐसी कर दी। सुबह सुबह वॉक करने के बाद हमने कहा गाजर का जूस भी हो जाना चाहिए क्योंकि गाजरों का सीजन है, तो उसका जूस भी अपने टेस्ट देंगे, और साथ माल्टा क्या कहना, मजा आ जाएगा, मुझे नींद आने लग गई है भाई। आते साथ ही चूल्हे के ऊपर रख दिए गाजर का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, और जिसकी मैं क्या बना रही हूँ मुरब्बा है, गाजर का मुरब्बा बना रही हूँ और सालन बना रही है। सालन क्या बनाया? शलजम गोश्त साथ चावल। अब सर्दी आ गई ज़्यादा और जानवर जो है ना वो साइड पे उनको ठंडी हवा लगती है, तो उसके लिए ना उसके लिए हमें क्या करना पड़ना है, वो जो जगह है ना उसको चेंज करनी है ताकि बकरों को बिल्कुल भी ठंडी हवा ना लगे। तो छत पे जाएंगे कुछ खा पी के, आज से खाई भी जा रहे हैं लेकिन कल रात को रुक के ये तो वो फलां फूँ, लेकिन इसको खाते हैं फिर उसके बाद छत पर जाते हैं, टाइम लाइन लगाते हैं और ब्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। दहीबा लगाने चले उठे फिर दही और भले ले गए और साथ में उसके चाट मसाला भी ले गए, फिर बना के देती हूँ उठे। मैं कह तो रहने दो नहीं उठे ना लेके आए दही भले और चाट मसाला, चाट मसाला बाकी तो चीज़ें हैं, गोभी वगैरह पड़ा बंद गोभी का फूल वो भी लेके आनी है, चने हैं आलू हैं बाकी चीज़ें हैं जाने के। सर आज के लाने मेरा कैमरा पकड़ा हुआ है, खैर है व्लॉगिंग का कैमरा आपका भूत सवार हो गया मेरे। ये भी सही है। चले उठे दही भी ले लिया, वो बंद गोभी प्याज भी ले लिया और साथ नेशनल चाट मसाला भी ले लिया। ये होते हैं शादी के बाद के सीन। अल्हम्दुलिल्लाह सर ये ले आपका मसमान, यस शलजम साथ चावल, ओहो शलजम साथ चावल, और ये जो इन्होंने चाट वगैरह बनानी है ना ये चाट का सामान था, और इसकी वजह से मैं बिस्तर से उठा था। ओए भाइयो अभी खाना खा के हटेंगे तो अब्दुल्ला ने बनाई है चाट, इसमें बर्फ डाल देना थोड़ी सी, बर्फ नहीं डालते सारा, इसमें पानी बन जाना है, इसमें मेल्ट हो जाना। आप इसको ना रख दें फ्रिज में, आपने अभी नहीं खाना ठंडा करके खाना, पर इसमें डालना कुछ नहीं है। क्या अरुण अभी नहीं खानी? अभी खानी। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, साथ साथ सब्सक्राइब कर दें, अगर शेयर करना तो वो वेल गुड हो जाएगा, लेकिन अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के बिल्कुल फ्रंट पेज पे आएगा, जैसे आपको मैसेज आता है ना वैसे ही आपको मेरा नोटिफिकेशन आना है कि अली लोधी यूट्यूबर की वीडियो आ गई आपके पास, जाके देखो। और यार थैंक यू जो लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।